देवपुरातील शेकडो तरुणांनी समाजवादी पार्टीचे नेते इर्शाद जहागीरदार यांच्या नेतृत्वात समाजवादी पार्टीमध्ये प्रवेश केला आहे। यावेळी प्रवेश केलेल्या तरुणांचा जहागीरदार यांनी स्वागत करत सत्कार केला आहे। देवपुरातील एलएम सरदार उर्दू हायस्कूलच्या पाठीमागे असणाऱ्या गल्ली बॉईज ग्रुपच्या शेकडो तरुणांनी जहागीरदार यांच्या कामावर विश्वास ठेवत समाजवादी पार्टीत प्रवेश केला आहे। चौधरी नरेंद्र भाऊ चौधरी, महेंद्र सिरसाट, अखिल भाई, मतीन भाई और उपस्थित हमारे सभी समाजवादी पार्टी के जमील मंसूरी साहब और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एडवोकेट इमरान शेख नवाब भाई और यहाँ जमा हुए सभी जोधपुर में के हमारे नौजवान बच्चे बुजुर्ग साथी और घरों में से सुन रही हमारी माँ बहने सबको मेरा सलाम। इस बार मैं सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये बात जाहिर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले शुक्रगुजार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और महाराष्ट्र के अध्यक्ष आमदार अबू अजीज साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के पहले मुझे उन्होंने उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का दुर्गा विधानसभा मतदान से जाहिर किया और मैं अखिलेश यादव साहब का इस बात का भी शुक्रगुजार रहूंगा, ऐसा मत रहूंगा जिंदगी भर कि उन्होंने मुझे महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के पास आपका कीमती वोट मांगने के लिए भेजा। पर आज मैं आपके पास वोट मांगने क्यों आ रहा हूँ, मेरा क्या कारण बना? मैं 16 साल से दुनिया की खिदमत करता है, लोग कुछ भी मेरी अफवाह उठाते कि मैं आज इलेक्शन में खड़ा रह रहा हूँ ये रह रहा हूँ, पर यहाँ के जो बुजुर्ग है यहाँ के जो नौजवानों आपको ये पता होगा, आप आपके यहाँ के बुजुर्गों से पूछोगे और मुझे 2008 से यहाँ लगातार दुनिया शहर में काम करते हुए देखे, मेरे दरवाजे से कोई मायूस होके आज दिन तक के लौटा नहीं। जैसा अभी इन्होंने बताया हमारे निहाल अख्तर साहब ने कि मैंने 250 बोरिंग किया, मैं दुनिया शहर में पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए ये बोरिंग का काम किया और ये बोरिंग करते हुए मैंने कोई मजहब धर्म इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा, मैंने मंदिरों को बोरिंग किया, मस्जिदों को बोरिंग किया, मुस्लिम भागों में बोरिंग किया, सभी जगह किया, मैंने सभी को साथ में लेके चलने का काम किया। हाल ही के दिनों में कुछ हुए इस्लाम की जो सीख है उसको ध्यान में रखते हुए अपने बिरादर वतन को साथ में लेके चलने का है, तो मैंने गणपति में भी लोगों का गणपति का भी स्वागत किया, उसी तरीके से कल मैंने जुलूस का भी स्वागत किया। मैं राजनीति नहीं करने वाला आदमी, मेरा काम 90% समाज कारण है, समाज कारण करते हुए ही पार्टी चूज किया तो समाजवादी पार्टी चूज किया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा था, मेरे अजीत पवार के साथ बहुत गहरे संबंध है, पर मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि मुझे दो बातों पे दुख हुआ, एक हुजूर की शान में जब गुस्ताखी हो गई तो वहां मुख्यमंत्री बोलते हैं कि तुम्हारे बाल को धक्का लगेगा नहीं, वो बात हमारे दिल को का लगी, और दूसरा जो महाराष्ट्र की अस्मिता है छत्रपति शिवाजी महाराज उनका जब पुतला टूटा तो उसके आरोपियों के ऊपर कोई कड़क कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं दोनों बाजू को काम करने वाला आदमी है, तो ये दोनों चीजों से मैं नाराज होकर डिसीजन लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने भेजे हुए हमको है ये किए, तुमको मैं चैलेंज देता हूँ, अगर बीजेपी के साथ मेरा एक फोटो आ गया, अगर बीजेपी मेरे को भेजती तो लोकसभा में आप लोगों ने दुलिया शहर ने ये देखा है कि इर्शाद जहागीरदार किधर बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए खड़ा नहीं रहा, जब मैं अगर उनके लिए वोट मांगता नहीं हूं तो मैं उनके साथ सेटलमेंट कैसा करता हूं। मैं आप लोगों को यहां से एक जमान लेके जाऊंगा कि कुछ भी हो जाए मेरी गर्दन कट जाए पर बीजेपी के साथ ये हाथ मिलाने वाला इर्शाद जहागीरदार नहीं। आप ये बात समझ के चलना, किसी भी तरीके से आपका नुमाइंदा बनके मैं महाराष्ट्र के असेंबली में गया तो असेंबली में भी किसी तरीके से बीजेपी को मदद होगी, ये काम मेरे हाथ से होगा नहीं, और अगर ये काम अगर आपको लगा हुआ है तो आपके पैर में चप्पल निकाल लेना मेरे लिए, ये बात मैं आपको गवाही देके जाता हूँ। मैं आपके वोट मांगने क्यों आया, मेरे को 3 काम करने धुलिया के लिए और वो ईसीडी काम है, ई मंजे एम्प्लॉयमेंट रोजगार देना है, आज है हमारे धुलिया में रोजगार, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं पर उनको रोजगार के लिए सूरत जाना पड़ रहा है, नासिक जाना पड़ रहा है, औरंगाबाद जाना पड़ रहा है, पुणे जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है रोजगार, ये रोजगार इधर मैं कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार खड़े करने का काम 5 साल में करूंगा, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी साथ चाहिए और वो साथ ये चाहिए कि हमें बिरादरी वतन हमारे हिंदू भाइयों का और मुस्लिम भाइयों का दोनों का साथ लगेगा, हमको शहर में शांतता का माहौल रखना पड़ेगा क्योंकि जब ये शहर में शांतता का माहौल रहेगा तभी इस शहर के अंदर कोई भी बड़ा उद्योगपति अपनी इन्वेस्टमेंट इस शहर में करेगा, अगर शहर में अगर माहौल खराब रहेगा तो कोई इन्वेस्टमेंट आएंगी नहीं और हम सालों साल पीछे 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 होते जाएंगे,
दूसरा काम मुझे करना है कि भ्रष्टाचार से शहर को मुक्त करना है। आज आप देखो कितने विकास काम हो रहे हैं, गली में नाली बन रही है, गलियां बन रही है, रास्ते बन रहे हैं, पर वो टिक रहे क्या, ये आप खुद जाके देखिए। अगर ये रास्ते टिकेंगे नहीं, ये अगर ये होगा नहीं, तो पैसा तो आपका ही छोड़ के लेके जा रहे हैं ना। कुछ लोगों की आधे रात में तरक्की हो रही है और कुछ लोग पीछे हो रहे हैं, तो ये बात इधर तो भी रुकना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए लोगों के साथ। ये पैसा लोगों का है, हमारी माँ बहने हर सालों से ये सुनते आ रही कि हर रोज पानी मिलेगा, आज भी 8 दिन बाद पानी मिलता है, क्यों नहीं मिल रहा है? तुम क्यों नहीं प्लानिंग कर रहे, क्यों नहीं दुनिया के लोगों को निजात दे रहे पानी की समस्या से, जबकि हमारा अकल पाड़ा हो गया, तापी का पानी हो गया, इतने पानी रहे बाद भी हमारे लोगों को निजात नहीं है पानी से। और तीसरा काम मेरे को करना है कि डेवलपमेंट रास्ते को बताओ, मैं तो 16 साल में एक चीज देखा नहीं है जो बनी है, जो दुनिया का चेहरा और नक्शा बदलेगा। अगर कोई इंसान 2008 में इंतकाल हो गया रहेगा और अल्लाह ताला ने उसको बोले कि आपको तुम्हारे घर को भेजना चाहता हूं मैं, तुम जाओ, और उनको दुनिया के स्टैंड पे छोड़ दिया, इसी स्टैंड पे, तो बिना पूछे कि उनके घर को पहुंच जाएंगे, दुनिया में कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये बात आप ध्यान में रखो, ये इलेक्शन मजहब की इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन विकास की इलेक्शन, ये अच्छे काम की इलेक्शन है। लोग आएंगे आपके पास बोलेंगे कि मजहब के ऊपर वोट दो, ये वोट मजहब पे देने की बात नहीं है, ये बात मजबूत लोगों को महाराष्ट्र के असेंबली में भेजने की, जहां अपनी बात को मजबूती से रखा जाएगा। आज देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में 2 नंबर की पार्टी है, ये 2 पार्टियां इतनी स्ट्रांग रहने के बाद आज वहां बीजेपी की हालत खराब हो गई है। जब ये कांग्रेस के और समाजवादी के शेर पार्लियामेंट में खड़े होते तो ये घबर जाते हैं, थरथरने लगते हैं। तो ये लोगों को डराने के लिए और सेक्युलर सहनियत के लोगों को भेजने के लिए, जैसा हमारे लिए बीजेपी एक जातिवादी पार्टी, वैसी दूसरी पार्टी भी जातिवादी हमारे लिए है, और ये पार्टियों को रोकने के लिए हमको मजबूत लोगों को पार्लियामेंट में, असेंबली में भेजने की जरूरत है। तो आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मेरी पढ़ाई 3 मुल्कों में हुई, मेरी MSc एग्रीकल्चर न्यूजीलैंड में हुआ, मेरा मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लंदन में हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे 1 नंबर की यूनिवर्सिटी, वहां पे मेरी पढ़ाई हुई। पर जो अगर आपका सिर भुगता है तो आप डॉक्टर के जाएंगे या इंजीनियर के जाएंगे? तो असेंबली के अंदर अच्छा आदमी भेजना है तो मैं उसमें का पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आपने मेरे जैसे आदमी को भेजना चाहिए। आपको ये बात मैं यहाँ से गवाही देके जाऊंगा कि आने वाले टाइम में आपकी आवाज महाराष्ट्र के असेंबली में बुलंद तरीके से उठाऊंगा, और आपको दुनिया शहर में से अगर मैं आमदार चुनकर गया तो आप लोगों का भी सीना ताना हुआ रहेगा कि आप ये बोलेंगे कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आमदार महाराष्ट्र के असेंबली में हमारे दुनिया शहर विधानसभा मतदार संघ का जाना है, और आपको कभी रुसवा होने नहीं दूंगा। तो आप सब समाज की, हिंदू रहो या मुसलमान रहो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, किसकी भी, सबकी आवाज बन के वहां काम करूंगा और इंसाफ दिलाने का काम करूंगा, यही मैं बोलूंगा आज के दिन आप लोगों को। और आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आपका आशीर्वाद रूपी जो मत है वो मुझे दो, दुनिया शहर बदलने के लिए मत दो, एक बार मुझे मौका दो, मैं आज निश्चित आपके लिए एक अच्छा काम करके बताऊंगा। इतनी मैं आज ये जगह पे आपको जबान देता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद। या प्रसंगी इरशाद जहागीरदार, कैलास चौधरी समाजवादी पार्टीचे शहर जिल्हाध्यक्ष गुड्डू काकर, धीरेंद्र चौधरी, महेंद्र शिरसाट, माजी नगरसेवक जमील मंसुरी, अखिल अन्सारी, इम्रान शेख, अखिल शेख, समीर खान, राहुल पोळ, गुलाम कुरेशी, संतोष केदार यांच्या सह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। प्रतिनिधी रूपक बिरारी, माझा महाराष्ट्र न्यूज, वे